गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फैमिली, मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज का ब्लॉग किस टॉपिक पे है। तो फैमिली, मैं आपको बता दूं, मैं भी जा रहा हूँ राधा रानी मंदिर, क्योंकि आज है राधा अष्टमी और अपने साथ जा रहा है मानव। तो बहुत ही मजा आने वाला है। आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। फटाफट अभी निकलते हैं हम लोग। अभी टाइम हो रहा है 11:45 और 12 बजे तक हम लोग को वहाँ पे पहुँचना है। आरती वगैरह स्टार्ट हो जाएगी 12 बजे तक। तो अभी हम लोग यहाँ से फटाफट चलते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और चलते हैं। सुबह तो मैंने नहा लिया था क्योंकि मैं ब्लॉग अभी दोपहर में स्टार्ट कर रहा हूँ और मानव का भी कॉल आया था थोड़ी देर पहले कि चलना है। तो मुझे पता नहीं था कि आज चलना है वहाँ पे। मैं तो कहीं इधर वो कटरा मोहल्ला है ना, उस साइड जाने की तैयारी कर रहा था सुबह। और आरती वगैरह होती सुबह वहाँ पे और शाम को भी होती, मैं शाम को भी जाता हूँ। और सुबह वगैरह हो रही थी तो मैं सुबह वहीं जाने के लिए निकला था, उसमें कॉल आ गया तो मैंने कहा ठीक है चलो आज अष्टमी वहीं है तो वहाँ चलते हैं। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, फटाफट मैं कपड़े वगैरह चेंज करता है फिर निकलते हैं, ठीक है फैमिली। तो गाइस निकल चुके हैं अभी हम लोग, ये मानव अपने कुछ गुस्सा हो गया। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं राधा रानी मंदिर की ओर, चलते हैं। आज जन्मदिन है, कृष्ण जी का जन्मदिन है, केक सेलिब्रेशन होगा। चलते हैं आपको दिखाते हैं, बहुत मजा आने वाला है। बाकी धूप बहुत तेज है, ये देख सकते हैं 12 बज रहे हैं दोपहर, ठीक 12 बज गए हैं। ये माना के भैया खड़े थे, हमने दांत दिखा रहा, भैंसी ले ले भैया भैंसी। हाँ राधा रानी गौरी शंकर। खुश कितने तुम? बचपन से खुश होते हैं। अच्छा तो फैमिली बोलते फिर सामने राधा रानी मंदिर और उधर गौरी शंकर मंदिर। हम लोग चल रहे हैं राधा रानी मंदिर में और आरती वगैरह कंप्लीट होने वाली है, इसके बाद डायरेक्ट केक कटेगा। हम लोग थोड़ा लेट हो गए इसलिए जल्दी जल्दी चल रहे हैं। देखो कितनी जोर जोर कदम चला रहा, एक तो धूप बहुत तेज है फैमिली, ये देखो। फाइनली भी हम लोग पहुँच चुके हैं हर्षवर्धन द्वार, अब चलते हैं। ये रहा डेकोरेशन देख सकते हैं, चलते हैं अंदर, आपको अंदर से दिखाते हैं फुल डेकोरेशन। बाकी भीड़ देखो आप भाई, बधाई हो।
हो चुके हैं और प्रसाद वगैरह भी चुका है, ये देख सकते हैं शिमला में जो घूमू, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और अभी सब लोग जा चुके हैं तो बहुत अच्छा। बाकी इधर देखो प्रसाद के मारे कैसे डंडी चला रहे, जब इधर नदियाने के बच्चे सब लोग आ गए लेने ना, इसलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इधर। तो अब हम भी चल रहे हैं घर और आपको घर पर मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों अभी पहुंच गए घर, बाकी काफ़ी ज़्यादा धूप है भाई, थक गए बहुत, बट मज़ा भी बहुत आया, काफ़ी अच्छा लगा। चलते हैं थोड़ी देर रेस्ट करेंगे चल के।